इंटरस्टेलर मूवी में आपको वो प्लैनेट तो जरूर याद होगा जहां गुजारा गया एक सेकंड धरती पर गुजारे गए एक दिन के बराबर होता है और एक घंटा धरती पर गुजारे गए 7 साल के बराबर होता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं मिलर्स प्लैनेट की बात कर रहा हूं, पर आखिर इस प्लैनेट पर समय धरती की तुलना में 7000 गुना धीमा क्यों हो जाता है? उससे पहले आपको यह जरूर जान लेना चाहिए कि मिलर्स प्लैनेट गर्गेंचुआ ब्लैक होल के काफी करीब चक्कर लगाता है और इतनी तेज गति से उस ब्लैक होल का ऑर्बिट करता है कि उसे सिर्फ एक चक्कर लगाने में मात्र 1.7 आवर्स का समय लगता है। और साथ ही उस ब्लैक होल के पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से समय धीमा हो जाता है। जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि हैवी ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स, उनके करीब समय काफी धीमा हो जाता है। इसलिए मिलर्स प्लैनेट का गर्गेंचुआ ब्लैक होल के इतने करीब होना उस ब्लैक होल की ज्यादा ग्रेविटी और उस प्लैनेट का इतना तेज ऑर्बिट करना, ये सब चीजें एक साथ होने की वजह से टाइम डिलेशन पॉसिबल हो पाता है, जिसकी वजह से इस प्लैनेट पर गुजारा गया एक घंटा धरती पर गुजारे गए 7 साल के बराबर होता है।